मित्रों नमः संस्कृता संस्कृत देववाणी गंगा चैनल पर आज हम जो है माहेश्वर सूत्र की चर्चा करेंगे। माहेश्वर सूत्र में हमें दो बात जाननी चाहिए कि किसी भी व्याकरण शास्त्र को जानने के लिए हमें उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे हिंदी की वर्णमाला, हिंदी का ज्ञान करने के लिए हमें हिंदी की वर्णमाला, इंग्लिश का ज्ञान करने के लिए, व्याकरण का ज्ञान जानने के लिए हमें अंग्रेजी की जो है वर्णमाला जाननी चाहिए, उसी तरह संस्कृत भाषा के व्याकरण शास्त्र की जानकारी के लिए हमें संस्कृत की वर्णमाला को जानना आवश्यक होता है। तो इसका जो वर्णमाला है वह माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि माहेश्वर शंकर जी का अपर नाम है और यह शंकर जी के डमरू से निकला है, इसीलिए इसे माहेश्वर सूत्र कहते हैं। शंकर जी ने 14 बार डमरू बजाया पाणिनि जी के, उन्होंने जब तपस्या की उस तपस्या से प्रसन्न होकर अंतिम में जो उन्हें 14 ध्वनि सुनाई, उन्हीं 14 ध्वनियों को क्रमबद्ध करके पाणिनि महोदय ने एक सूत्र में लिखा और उसी सूत्र को आज इस संसार में जो है माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। और माहेश्वर सूत्र के विषय में है कि नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नवपंच वारम। तो नृत्यावसान माने नृत्य की समाप्ति पर शंकर जी ने ननाद माने बजाया, ढक्काम माने डमरू को, नवपंच वारम, नौ और पांच माने 14 बार उन्होंने डमरू को बजाया। उस 14 बार डमरू से जो 14 प्रकार की ध्वनियां निकली, उसी ध्वनियों को पाणिनि महोदय ने एक सूत्र में पिरोकर माहेश्वर सूत्र का नाम दिया। और वह 14 ध्वनियां इस प्रकार है कि जैसे इसमें 14 ध्वनियों में पहला हमारा ध्वनि है अ ई उ ळ, दूसरा है ऋलिक, तीसरा है एओं, चौथा है एऔच, पांचवा है हैवरट, छठा है लड़ और सातवां है मंगड़नम, उसके बाद है झभय, घड़धस, जब गढ़धस, खप छठत चटतव, कपय सक्षर हल, इति माहेश्वराणी सूत्राणी, यही माहेश्वर सूत्र हैं। तो इनको याद करने का तरीका है कि हम प्रथम जो है चार सूत्रों को याद कर लें, अयोण, ऋलिक, एओंग और एऔच। और इन चार सूत्रों को याद करने के बाद हमें ध्यान में रखना चाहिए कि एऔच के बाद जब भी आएगा अंतस्थ व्यंजन आएगा तो है, वरट और लण यह अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद वर्ग के पंचमाक्षर आएंगे यमंगणनम, वर्ग के चौथे अक्षर आएंगे झभ है घटधस, फिर वर्ग के तीसरे अक्षर आएंगे जब गढ़ दस, उसके बाद वर्ग के पहले दूसरे अक्षर आएंगे खप छठट, उसके बाद वर्ग के पहले अक्षर आएंगे चटतव कपय, उसके बाद उष्म व्यंजन आएगा सक्षर हल। तो हमें केवल चार सूत्र याद रखने हैं, अयोण, ऋलिक, एओंग, एऔच, और दिमाग में यही बैठाना है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन वर्ग का पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला और अंत में ओष्म व्यंजन। तो इन 14 सूत्रों से हम 14 सूत्रों से हम 42 प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार इससे और भी बन सकते हैं, लेकिन पाणिनि महोदय ने अपने अष्टाध्यायी में जो है 42 प्रत्याहारों की ही उन्होंने गणना की है या उनका ही प्रयोग किया है, तो इसीलिए हमें 42 प्रत्यय ही पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए, क्योंकि प्रश्न जब भी बनेगा उन्हीं 42 प्रत्याहारों से ही बनेगा। और प्रत्याहार बनाने का नियम है, और प्रत्याहार संज्ञा सूत्र पाणिनि महोदय ने लिखा आदिर अंतेन सहेता, अर्थात आदि वर्ण को लेकर और मध्य वर्णानाम मध्य वर्णों को लेकर। तो आदि अंतेन सहेता, सहिता माने आदि और मध्य वर्णों के साथ और अंतिम इत संज्ञक वर्णों के बीच में जितने वर्ण आते हैं उसी को हम प्रत्याहार बनाते हैं। तो आदि वर्ण जैसे हमने अक प्रत्याहार ले लिया, अक प्रत्याहार में आदि वर्ण अ है और अंतिम वर्ण क है, तो इसके बीच में जो सूत्र के माध्यम से आ रहे हैं आदि अंतेन संहिता, तो अ ई उ री ली और क है, तो हम अंतिम इत संज्ञक वर्णों की गणना नहीं करते। तो अक प्रत्याहार में अ ई उ और री ली वर्ण ही आएंगे। इत हम जो इत संज्ञक वर्णों की गणना क्यों नहीं करते, क्योंकि इत संज्ञा करने वाला एक सूत्र है हलंत्यम, एक सूत्र है हलंत्यम, हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, इसका जब नाम हो जाएगा
तो तुरंत एक सूत्र आएगा तस्य लोपः और इसका वह लोप कर देगा। जब इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाएगा तो हमें अक प्रत्याहार में अ ई उ ऋ लृ मिलेंगे। अब इससे और भी प्रश्न बन सकते हैं, जब ही जैसे पूछा जा सकता है कि मूल व्यंजन या मूल स्वर जो है किस प्रत्याहार में आते हैं, तो मूल जो स्वर है वह अ ई उ और ऋ लृ माने अक प्रत्याहार में मूल व्यंजन मूल स्वर आते हैं। दूसरा बन सकता है कितने सूत्रों में स्वरों की गणना की गई है, तो माहेश्वर सूत्रों के 4 सूत्रों में जो है स्वरों की गणना की गई है। कितने सूत्रों में व्यंजनों की गणना की गई है, तो 10 सूत्रों में है। वर्ण से हल तक जाएंगे तो इस 10 सूत्रों में जो है व्यंजनों की चर्चा की गई है। और भी इससे प्रश्न बन सकते हैं माहेश्वर सूत्र से कि वर्ग के तीसरे अक्षर किस सूत्र में कहे गए हैं, तो वर्ग के तीसरे अक्षर 10वें सूत्र में कहे गए हैं जो जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, जब गड 10। तीसरा और प्रश्न बन सकता है कि ऊष्म व्यंजन किस प्रत्याहार में कहे गए हैं, तो ऊष्म व्यंजन सक्सर और हल अर्थात तीनों स और ह यह ऊष्म व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन स से लेकर ल तक जाएंगे तो यह सल प्रत्याहार बनेगा, तो सल प्रत्याहार में ऊष्म व्यंजन कहे गए हैं। और दूसरा प्रश्न इसी प्रकार से बन सकता है कि अंतस्थ व्यंजन किस प्रत्याहार में कहे गए हैं, तो अंतस्थ व्यंजन हम य से स्टार्ट करेंगे ळ तक जाएंगे तो य व र ल यह हमारे अंतस्थ व्यंजन है, तो यण प्रत्याहार में जो है यह अंतस्थ व्यंजन कहे गए हैं। इसी प्रकार से अनेकों प्रश्न बन सकते हैं। आपको माहेश्वर सूत्र याद है तो आप जो है आराम से या आसानी से प्रत्याहार बना सकते हैं। जैसे कभी अण प्रत्याहार पूछता हो तो हमें अ से लेके ळ तक नहीं जाना चाहिए, अण प्रत्याहार में हमें इस अ से लेके हम जो है ऋण के ळ तक जाएंगे, तो अण प्रत्याहार में हमेशा जो है सारे स्वर और अंतस्थ व्यंजन आते हैं, सारे स्वर ह और अंतस्थ व्यंजन आते हैं। कभी कभी इसी तरह से पूछता अण प्रत्याहार में वर्ण आएंगे, आपको अ ई उ भी लिखा मिलेगा, लेकिन इस पर आप ट्रिक करेंगे तो यह हमेशा आपका गलत होगा। हमें अण प्रत्याहार में हमेशा अयुण के अ से ऋण के ळ तक जाना चाहिए। अब हम माहेश्वर सूत्र के बाद थोड़ा सा वर्णों पर विचार करेंगे कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ण विचार में सबसे पहले हम स्वर को पकड़ते हैं या स्वर की चर्चा करते हैं। स्वर कितने होते हैं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हमने बताया स्वर 3 प्रकार के होते हैं, तो स्वर कहते किसे हैं ये प्रश्न बना है, तो स्वर किसे कहते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं से राजन्ते माने विभूषित हो या सुशोभित हो, जो स्वयं से उच्चरित हो उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और प्लुत स्वर क्या है, इसके लिए हम कुछ उदाहरण देंगे कि ह्रस्व स्वर में अ आएगा, ई आएगा, उ आएगा, रि आएगा और लृ आएगा। ह्रस्व स्वर में अ ई उ रि और लृ आएंगे, दीर्घ में आपका जो है बड़ा ई आएगा और उ आएगा और बड़ी री आएगी, ए आई ओ और औ, यह दीर्घ में आएंगे। प्लुत स्वर कोई भी हो उसके आगे हम केवल 3 लिख देंगे, वह स्वर प्लुत हो जाता है। हम इसको प्रयोग की दशा में बताएंगे। जो ह्रस्व स्वर होता है अ ई उ री लृ, तो जो एक मात्रिक होगा अर्थात जिस ह्रस्व स्वर में एक मात्रा लगी होगी वह स्वर ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। अब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को हम पहचानेंगे कैसे, पलक झपकने में जितना समय लगता है ह्रस्व का स्वर उच्चारण करने में हमें उतना समय लेना चाहिए। या एक भारत में नीलकंठ पक्षी पाई जाती है, उस नीलकंठ पक्षी की बोली जितने समय में बोलती है वह उतने समय में हमें ह्रस्व स्वर का उच्चारण करना चाहिए। तो दूसरे प्रकार से यदि हम ह्रस्व स्वर को बोलने में 1 सेकंड का समय लेते हैं तो उससे दीर्घ स्वर को बोलने में हमें 2 सेकंड का समय लेना चाहिए और प्लुत स्वर को बोलने में हमें 3 सेकंड का समय लेना चाहिए। यह समझने का एक तरीका है कि कितने
समय तक किस वर्ण को उच्चारण या उच्चारण या उच्चरित किया जाए, तो आ ई उ री ली यह हमारे संस्कृत व्याकरण के मूल स्वर भी हैं और ह्रस्व स्वर भी हैं। दूसरा दिया है दीर्घ वर्ण, बड़ी ई उ री ए आई ओ औ यह दीर्घ स्वर हैं, इनके उच्चारण में दो या इनमें दो मात्रा होती है तो इसलिए इसे दीर्घ कहते हैं, और दो से जिसकी ज़्यादा मात्रा होगी वह प्लुत स्वर कहलाएगा। तो प्लुत स्वर की एक विशेषता है कि प्लुत स्वर हम हमेशा संबोधन में प्रयोग करते हैं, किसी को बुलाना हो जैसे हे सोहन, तो यहाँ पर हम थोड़ी देर तक जो है चाहे हे पे जो है समय दें, चाहे लास्ट में सोहन पर ना में समय दें। तो जैसे हम लोग किसी को जैसे पप्पू हैं बुलाना हो तो जब संबोधन में बुलाएंगे तो पप्पू करके जो है हम ऊ को क्या करते हैं प्लुत में बदल देते, तो वहाँ पर ऊ जो है प्लुत है। तो संबोधन में प्लुत का प्रयोग होता है। जो दीर्घ वर्ण है यह दो मात्रिक होते हैं, तो इसमें जब भी होगा हमें ह्रस्व से ज़्यादा समय लेना होगा, और प्लुत में हमेशा जो है हमें दीर्घ से ज़्यादा का समय लेना होगा। तो प्रश्न बनेगा, एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं ह्रस्व कहलाते हैं, दो मात्रिक स्वर कहलाते हैं दीर्घ कहलाते हैं, या त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं तो प्लुत स्वर कहलाते हैं। यहीं पर एक प्रश्न और बनेगा, यदि आपको वर्णों का विचार या वर्ण भेद पढ़ेंगे तो सभी वर्णों के 18-18 प्रकार होते हैं, और कुछ वर्णों के जो है 12 प्रकार होते हैं, कुछ वर्णों के जो है 12 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर जो आ ई उ री है, आ ई उ री यह वर्ण जो है, यह वर्ण जो है वह 18-18 प्रकार के होते हैं। अ ह्रस्व भी होगा, अ दीर्घ भी होगा, अ प्लुत भी होगा। पाणिनि महोदय ने आ का कभी भी कहीं पर उन्होंने जो है उसका उच्चारण नहीं किया, अपने ग्रंथों में नहीं प्रयोग किया। ई लिखा है लेकिन बड़ी ई का उन्होंने कभी भी अपने ग्रंथों में उसका प्रयोग नहीं किया है। उनके पीछे उनका एक रीजन है कि अगर कोई बालक है, अगर उसका नाम राम है तो छोटी अवस्था में जब था, जब वो छोटा था तब भी वह राम है, जब युवा अवस्था में गया तब भी वह राम है, जब वह वृद्धावस्था में गया तब भी वह राम है। राम वही है, केवल उसकी अवस्थाएं बदल गईं, तो वह छोटा से बड़ा होता गया, तो अ का बड़ा आ होगा और आ से बड़ा जो होगा वह प्लुत होगा। वही नियम यहाँ पर भी चलेंगे। तो अ ई उ री इनके जो हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये इस प्रकार से अवर्ण के तीन भेद हो गए। एक होगा ह्रस्व हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा दीर्घ, और तीसरा हमारा हो जाएगा प्लुत। इन वर्णों के बाद उसके बाद स्वरों के तीन भेद और होते हैं, उदात अनुदात स्वरित। क्या क्या होते हैं? उदात, उदात का अर्थ होता है जब हम आ का उच्चारण मुख के ऊपरी भाग से करते हैं उसे हम उदात कहते हैं। दूसरा इसका भेद है अनुदात, दूसरा इसका भेद है अनुदात। अनुदात बताता है कि यह जो वर्ण है अ का अनुदात, यह भेद बताएगा जिस स्वर के उच्चारण करने में हम मुख के निचले भाग से प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर अनुदात स्वर कहलाता है। यदि हम उसके मध्य भाग माने बीच मुख से बोल रहे हैं या तालु और जिह्वा के बीच से अगर हम उसका उच्चारण कर रहे हैं तो वह स्वर हमारा स्वरित कहा जाता है, वह स्वर हमारा स्वरित कहा जाता है। तो इसका उच्चारण उदात अनुदात स्वरित का यह वैदिक में संस्कृत में प्रयोग होता है, या जो वैदिक कर्मकांड के विद्वान होते हैं ओम गणा नाम त्वा गणपति, इसमें जो चढ़ाव उतार इस तरह से हाथ करते हैं वही जो है उदात अनुदात स्वरित होता है। तो ह्रस्व उदात, दीर्घ उदात, प्लुत उदात, तो यहाँ से करेंगे तो कितने भेद हो गए? तीन हो गए, ह्रस्व अनुदात, दीर्घ अनुदात, दीर्घ अनुदात और दीर्घ स्वरित, फिर तीन हो गए, छः हो गए। इसी तरह से भेद करेंगे तो कुल मिलाकर हमें 12 भेद मिलेंगे। जब यह 12 भेद मिलेंगे उसके बाद स्वरों का एक भेद और भी होता है, अनुनासिक अननुनासिक। इसी प्रकार से इन स्वरों के अ ई उ री ये 18 भेद होते हैं। उसके बाद जो है हम आते हैं अ ई उ री, यह जो है 18 भेद होते हैं। एक हमारा लि वर्ण है, लि वर्ण जो है
इसका दीर्घ नहीं होता, लीवण का दीर्घ नहीं होता। जब दीर्घ नहीं होगा तो वह छह भेद घट जाते हैं, तो जब छह भेद घट जाएंगे तो लीवण के 12 भेद होते हैं और इन सब के 18 भेद होते हैं। लीवण का दीर्घ नहीं होता, री का होगा लेकिन लीवण का दीर्घ नहीं होगा। प्रश्न इससे बन सकता है कि कौन सा वर्ण दीर्घ नहीं होता, तो हमें ऑप्शन देना चाहिए कि लीवण जो है वह दीर्घ नहीं होता, यह पिछले टेट में पूछा गया है। उसके बाद आते हैं ए आई ओ औ, उसके बाद हम आते हैं ए आई ओ औ। ए आई ओ औ क्या है, इस जो वर्ण ये सब दिए गए हैं इनका जो है ह्रस्व नहीं होता, इनका जो है ह्रस्व नहीं होता, अर्थात ये छोटी नहीं होती, ये हमेशा दीर्घ होते हैं। तो इनके भी 12 भेद होते हैं, लरी के भी 12 भेद और ए आई ओ औ के भी 12 भेद होंगे। जब इनके 12 भेद हो गए तो प्रश्न बनेगा कौन सा वर्ण ह्रस्व नहीं होता, तो ए आई ओ औ वर्ण जो है ह्रस्व नहीं होता। ह्रस्व क्यों नहीं होता, क्योंकि जो ए बना है वह अ प्लस ई मिलकर ए बना है, यह गुण संधि में आपको बताया जाएगा। आय कैसे बना है, अ प्लस ए, अ प्लस ए मिलकर आय बना है। इसी तरह अ प्लस ऊ मिलकर ओ और अ प्लस ओ मिलकर औ बना है। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो अ प्लस ई प्लस बराबर ए, तो यह दो स्वरों से मिलकर बनेंगे, जहाँ पर दो स्वर लग जाएंगे वह ऑलरेडी या स्वतः जो है वह जो है स्वर दीर्घ हो जाएगा, इसीलिए ए आई ओ औ का ह्रस्व नहीं होता। तो प्रश्न इसी तरह से बनेंगे कि मूल स्वर कितने हैं, अ ई ऊ री लि, यह मूल स्वर है, अ ई ऊ री के 18 भेद होते हैं, लि का दीर्घ नहीं होता इसलिए 12 भेद होते हैं, ए आई ओ औ का ह्रस्व नहीं होता इसीलिए इसके भी 12 भेद होते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर।